के सभी नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना। भारत में बंद होने जा रहे हैं 2000 रुपए के नोट। आरबीआई ने फैसला लिया है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, वो 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते में या फिर किसी भी पास की बैंक शाखा में जाकर जमा करा दें या फिर उन्हें बदल लें। हालांकि ये नोट अभी लीगल टेंडर रहेंगे, यानी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें किसी से भी ले सकते हैं और दे सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर से पहले बैंक में जाकर बदल लेने हैं। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। देखिए, आरबीआई को ये पावर होती है कि हर 4-5 साल में जब नोट निकाले जाते हैं, हम सब जानते हैं नोट कागज के होते हैं और नोट वो मैले होने लगते हैं, गंदे होने लगते हैं, फटने लगते हैं, उसको आरबीआई की भाषा में सॉइल्ड नोट्स कहते हैं। तो आरबीआई हर जितने भी नोट के लॉट्स निकलते हैं उसको 4-5 साल बाद उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है। आरबीआई 2000 के नोट को 2016 में लेकर आई थी। उसकी प्रिंटिंग 2019 के बाद से बंद हो गई थी और अब आरबीआई ने 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बाजार से बाहर करने का फैसला लिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला क्यों लिया। आरबीआई के इस फैसले का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया क्या होगी। क्या आरबीआई का यह फैसला काला धन पर एक प्रहार है। आरबीआई के इस फैसले का देश को क्या फायदा होगा। आइए इन सवालों के जवाब समझते हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पहले से चलन में आ रहे 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। लगभग 6.5 साल बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। आरबीआई का ये फैसला किस वजह से लिया गया और इसका मौजूदा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये समझते हैं। इससे ब्लैक मनी का इल्लीगल धंधा करने वाले जो लोग थे उन पे करारी चोट लगेगी। जिन लोगों ने रिश्वतें खा के घर में 2000 के नोटों का अंबार लगाया हुआ है उन पे चोट पड़ेगी। वो पैसा जब आएगा, उनसे जब वो पैसा बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी की तरक्की होगी। दूसरा क्या है, इससे ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी में इनकम टैक्स और GST दोनों की चोरी संभव नहीं है, यानी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बाजार में अभी भी नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आम लोगों को तो आरबीआई के इस फैसले से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनके पास 2000 के नोट ज्यादा हैं, उन्हें कई बार में 2000 के नोट बदलने होंगे। 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा सभी बैंकों में दी गई है। इसके अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में भी ये सुविधाएं दी गई हैं, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट है। बैंक खातों में 2000 के नोटों को बदलने और जमा करने की सुविधा 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध होगी। यानी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आरबीआई ने 4 महीने से भी ज्यादा का समय दिया है। बैंक में नोटों के एक्सचेंज के लिए कोई चार्ज भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 4 महीने की समय सीमा में नोटों का एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो क्या होगा, आइए ये भी समझते हैं। 30 सितंबर तक अगर नोट नहीं, हालांकि मुझे ये लग रहा है कि जब 30 सितंबर आने वाली होगी तो जो पिछला हम ट्रेंड देखें तो इस डेट को एक आध बार एक्सटेंड भी किया जाएगा, पर ये मान लेते हैं कि एक्सटेंड नहीं होगा तो 30 सितंबर का नोट फिर लीगल टेंडर नहीं रहेगा। आपके पास 4 महीने से भी ज़्यादा है, 23 मई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसको बैंक में जाके आप जमा करा सकते हैं। 2000 के नोट मौजूदा KYC नियमों के तहत बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बैंकों से नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बदले गए नोटों को जमा कराना है तो उसके लिए या तो अपना अकाउंट खुलवाएं या फिर किसी और के अकाउंट को यूज कर सकते हैं।
2000 के नोटों को बदलने के लिए आरबीआई ने 20,000 रुपए की लिमिट सेट की है, यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट बदले जा सकते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर किसी को कारोबार या किसी अन्य जरूरी कामों के लिए 20,000 से ज्यादा की रकम की जरूरत हो तो उसे क्या करना होगा। बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट में तो जमा करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं है। बैंक अकाउंट में अगर आपके पास साफ सुथरा और ईमानदारी का पैसा है, 4 लाख जमा कीजिए, 6 लाख जमा कीजिए, 8 लाख जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मान लीजिए साफ सुथरा पैसा है, ईमानदारी से कमाया हुआ, टैक्स पे किया हुआ पैसा है, तो 8 लाख रुपए भी है अगर 2000 की करेंसी का, तो आप वो बैंक में जमा कीजिए। बैंक में जमा करने के 15 मिनट बाद ही आप विड्रॉ कर लीजिए, 500 या 100 के नोट निकलेंगे। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई 2019 में ही बंद कर दी थी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से लेकर 2018 तक 2000 के कुल 370 करोड़ नोट छापे गए, वहीं 102 करोड़ नोटों को नष्ट भी किया गया। इस हिसाब से देखें तो 268 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए, लेकिन 2022 तक के आंकड़ों को माने तो महज 214 करोड़ नोट ही सर्कुलेशन में हैं, यानी 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1,08,000 करोड़ रुपए की है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि 2000 के नोटों के सर्कुलेशन से गायब होने की वजह क्या है। 2000 के नोटों के सर्कुलेशन के गायब होने की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि ये करीब 6,72,000 की पीक सर्कुलेशन थी वैल्यू वाइज, 6,72,000 के 2000 के नोट थे, अब ये घट के 3,62,000 रह गए। दो कारणों से घटे थे, एक तो ये प्रिंट नहीं हो रहे थे, तो जो बैंकों में नोट जो लोग जमा कर रहे थे वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आ रहे थे। और इसका सबसे पुख्ता सबूत है कि आप ATM से जब पैसे निकाल रहे थे तो 2000 का कैसेट ही उसमें नहीं था, 2000 के पैसे निकलते नहीं थे। पर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा कि लोगों ने इसको होल्ड करना शुरू कर दिया। आरबीआई ने 2000 के नोटों को जारी करने के बाद ये दावा किया था कि नए नोट्स में जाली करेंसी बनना असंभव है, लेकिन आरबीआई का ये दावा गलत साबित हुआ और बीते 6 सालों में 2000 के 79,836 जाली नोट आरबीआई को मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 15,96,00,000 के आसपास है। वहीं 2000 के नोटों का सर्कुलेशन से गायब होने का मतलब है इसका इस्तेमाल काले धन को छुपाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में 2000 के इन गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का आरबीआई का लिया गया ये फैसला काले धन पर किया गया एक और प्रहार साबित होगा।